देश की आज़ादी के लिए और देश के लिए दिए गए बलिदान को शायद ही कभी भुलाया जा सके। देश की आज़ादी की लड़ाई में कुछ नौजवानों का बलिदान इतना जोश भरने वाला था कि उसने पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम का रुख बदल कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं तारीख। एक नाम था खुदीराम बोस, जिन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र महज 18 साल कुछ महीने थी। अंग्रेज सरकार उनकी निडरता और वीरता से इस कदर आतंकित थे कि उनकी कम उम्र के बावजूद उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। यह बालक हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी चढ़ गया। ये तो आज की तारीख में भारत का अहम भाग था। अब बात कर लेते हैं 11 अगस्त को देश और दुनिया में घटी उन अहम घटनाओं की। 1960 को अफ्रीकी देश चाड ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की। 1961 में दादर नागर हवेली का भारत में विलय और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1984 को लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में दक्षिण अफ्रीकी मूल की ब्रिटिश धावक जोला बर्ड 3000 मीटर की दौड़ में अमेरिका की शीर्ष धावक मैरी डेकर से टकरा गई। मैरी को दौड़ से बाहर होना पड़ा। यह घटना दुनिया भर में खूब चर्चित रही। 1984 को तत्कालीन सोवियत रूस ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। 1999 में सदी का अंतिम चंद्र ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में करोड़ों लोगों ने देखा। कुछ हिस्सों में घने बादलों की वजह से लोग इसे नहीं देख सके। साल 2003 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने अफगानिस्तान में शांति बल की कमान संभाली। साल 2004 में भारत और पाकिस्तान ने वांछित अपराधियों की सूचियों की अदला बदली की। साल 2007 में मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने। तो ये था 11 अगस्त का इतिहास। 12 अगस्त का इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल सनराइज न्यूज़ पर लगातार बने रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। शुक्रिया।